आप देख रहे हैं न्यूज़ सेवन इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करते हैं और जम्मू में आए हैं। हमारे माध्यम से अपनी समस्या को जो है वो सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम सुल्तान मोहम्मद है। सुल्तान कहाँ रहते हैं आप? सर मैं उधमपुर में रहता हूँ। कहाँ पे? सर उधमपुर बट्टलवालिया में रहता हूँ। क्या पूरी क्या घटनाक्रम हुआ है और शुरुआत से थोड़ा बताएं। सर घटना ये है कि सर मैं एक ऑर्फन कैंडिडेट हूँ सर। मेरे मम्मी ना है ना डैडी है सर। मैं पढ़ता था सर, तो उसी वक्त सर मुझे एक शख्स मिला जिसका नाम है बाग अली और वो जो मान टिकरी में रहता है। और कौन सी कक्षा में आप पढ़ते थे, क्या सर उम्र है आपकी? मैं तब फाइनल कर रहा था सर। अच्छा, हाँ तो हाँ सर। क्या उम्र है आपकी? सर अभी मेरी सर मतलब ऑर्डर जो कागज़ों का है उसमें सर 23 है। तो हाँ ऐसे सर 1-2 साल सर ज़्यादा होगी सर, 25 के करीब होगी। अच्छा, तो सर वहाँ पे ऐसे हो गया कि सर वो शख्स मुझे मिला तो उसने बोला कि आपने शादी की है नहीं की है। मैंने बोला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे ना मम्मी है ना डैडी है, तो मैं अपनी किसी मंजिल तक जब नहीं पहुँचूंगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। कहाँ पे मिला ये आपको? सर जी मुझे मिला टिकरी में ही टिकरी में। तो जी। क्या करते थे ये, पहले से आपकी इनके साथ जान पहचान थी? नहीं सर जान पहचान में सर कुछ नहीं थी सर, मुझे ऐसे ही सडनली मिल गए सर। तो सर इन्होंने बोला कि ऐसे से अपनी मतलब बोला कि ऐसे से तू मेरे घर दामाद आ जा तो मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी भी दूंगा सब कुछ, तो मैं बाकी तेरी शादी करवा देता हूँ अपने घर में अपनी लड़की से। तो सर मैंने ये सब मान लिया मैं पहली सर। मुलाकात में उन्होंने कह दिया कि आप मेरी बेटी के साथ शादी कर लो, हाँ सर थोड़ा रेफरेंस इन्होंने मतलब के पहले ही मतलब सर दे पहली दिया मुलाकात पहली में। मुलाकात में। हाँ सर। तो सर इन्होंने मेरा नंबर ले लिया, मैंने इनका ले लिया ये कब हुई थी आपकी पहली सर। मुलाकात? जे तब चल रहा था जी जनवरी का महीना चल रहा था 2020 में। 2020 तब में। जी हाँ। फिर अच्छा जी अप्रैल में शादी हुई। तो सर इसमें उसके बाद सर इन्होंने क्या कि शादी जब हुई तो सर मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद थे मेरे गांव के। नहीं, शादी जब आपकी उसके साथ मतलब बातचीत हुई, उसके बाद मतलब कोई रिश्ता वगैरह हाँ कोई सर कुछ? उसके साथ रिश्ता ऐसा हुआ कि सर मेरे जो सीनियर थे सर हमारे उधर हाजी साहब हैं खैरदीन वगैरह, तो मैंने उनको भी उनके साथ ये बात अपनी शेयर की। तो उसके बाद उन्होंने उनके साथ रब्ता किया, तो उन्होंने बोला कि मैं मुझे ऐसे इस तरह लड़के की बहुत ज़रूरत है और ये बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसको अपने घर में ऐसे सन अडॉप्ट करना चाहता हूँ। तो सर उसके साथ सब बातचीत करने के मतलब बाद घर सर जमाई आपको रखना हाँ चाहते घर थे? जमाई अच्छा। रखना चाहता था सर, उसका लड़का कोई नहीं था। तो सर उसने मुझे रख लिया। वैसे पूरी बात हुई जब उसने ये हमारी बात हुई तो उसमें 10 बंदे हमारे गांव के भी आए, तो उसमें ये बात उन्होंने पक्का कर ली कि मैं 1 साल के बाद इसको अपनी प्रॉपर्टी लिख कर दूंगा और ये मेरा लड़का है, मतलब मैं इसको पढ़ाई लिखाई का जो भी होगा मैं आगे आप इसको मान लो उनके करूँगा घर पे मतलब ये सारे बात चर्चा सब। हुई? हाँ हाँ सब उनके घर में हुई। तो अच्छा, उनके गाँव के भी कुछ लोग आए थे। तो शादी होने के बाद सर अभी 1 महीना हुआ, तो महीना भी नहीं हुआ सर, महीने से पहले ही इन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करना शुरू कर शादी दिया। कब हुई? अप्रैल में हाँ अप्रैल में शादी हुई। शादी हो तो गई। हाँ जस्ट 10 दिन के बाद इन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया, मेरे कपड़े शपड़े वगैरह जला दिए गए। कितने लोग थे ये घर में? सर इसमें जी मेरी एक असिस्टेंट लॉ है, तो बाकी ससुर सास और मेरी बीवी हम ही थे। आपकी बहन भी आपके साथ में उन्हीं के साथ में रहने लगी मांड में? नहीं, मेरी बहन नहीं मतलब कि मेरी साली अच्छा, सिस्टेंट आपकी लॉ। हाँ साली। हाँ अच्छा, वो दो बेटियां थी उनकी? अच्छा तीन थी, एक ही शादी हो गई थी अच्छा तो एक ही मेरे साथ करवा दी गई है, तो एक बाकी। तो शादी होने के बाद सर उन्होंने मुझे मतलब मेरे साथ ऐसा किया, कपड़े शपड़े जला कर मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। मतलब किसने किया ये आपके साथ? ये ससुर इसमें जी ने? पूरी ये फैमिली इन्वॉल्व थी, मतलब पूरी इसमें ससुर भी सास भी और सारे वाइफ इसमें, भी वाइफ भी हाँ बिल्कुल इन्वॉल्व साली थी, भी? साली भी सब जी। मतलब इनका जी प्री प्लानिंग थी कि हम इससे पैसा वगैरह लूटेंगे, हम इसकी कमाई खाएंगे, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। तो आपने क्या मतलब पहली मुलाकात में ही ससुर को बोल दिया मेरे पास कितना पैसा है, कितनी जमीन है, कितना क्या है, ये नहीं सब आपने मैंने बता इसको दिया? सब मैंने इसको बोला था कि मेरे पास कुछ नहीं। इसने बोला था कि तू सिर्फ शो करना कि मैं मतलब इतना पैसा दे रहा हूँ, हक मैं दे रहा हूँ, तो बाकी मैं तुझे बाद में जो वापस कर दूंगा। तो सर मैंने मान लिया, मैंने बोला ठीक है। मैंने अपने जो मेरे सीनियर थे जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे मैंने उनके साथ भी बोला, उन्होंने भी मेरी हेल्प की, पैसे वगैरह दिए सब कुछ दिया। तो बोला कि आप रखो सामने, तो उसके बाद आपको जो वापस कर देता है तो ठीक है, हम इतनी मदद हम तेरी कर देंगे आपने क्योंकि तेरे। कैश मतलब वहाँ पे हाँ रखा हाँ कैश हक मेहर रखा के है तौर पे, कैश तो कैश। हाँ हाँ कितना पैसा रखा? सर इसमें जी टोटल मिला के कोई 1 लाख रुपया है, 1 लाख के करीब रकम बन टोटल रही है मिला के मतलब? सर। इसमें कुछ आरामेड थे एक दो, अच्छा जिसमें 20,000 उनकी कास्ट है और 75-80 हज़ार जो है वो कैश था। अच्छा तो ये सारा मैंने वहाँ पे इसको दे दिया। उसके देने के बाद सर इसने उसकी मतलब लिखत पढ़त हुई, हाँ हाँ सर सब कुछ हक हुआ। मेहर में हाँ आया हाँ ना हाँ वो? हाँ हाँ हाँ, तो उसके बाद सर ये बोलता है कि अब तुझे 1 लाख का चूना लग चुका है और अभी दूसरी शादी करने के लिए तुझे 1 लाख और चाहिए। दूसरी शादी मतलब? बोलता है कि अब मतलब ये तो मैंने तेरे से ले लिया है, अब ये तुझे वापस नहीं दूंगा, 1 लाख तुझे अभी दूसरी शादी करने के लिए और चाहिए। दूसरी शादी मतलब? बोल रहा है मैं अब मतलब तेरे साथ अपनी लड़की का रिश्ता नहीं रहने दूंगा। अच्छा, हाँ सर तो इतना शादी
के बाद आप कितने समय तक उनके घर में रहे और नाम क्या था उनका? नाम नहीं बताया आपने। बाग अली नाम था उनका। अच्छा। तो सर मैं आपकी वाइफ का? शबीना बीबी। अच्छा। तो सर मैं इनके घर में कम से कम 3-4 महीने रहा हूँ, जहाँ जी 10-12 दिन मेरे साथ हार्डली, मतलब इन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया, उसके बाद इन्होंने मिसबिहेव किया, उसके बाद मैं मुझे इन्होंने मजदूरी पर लगा दिया। तो मैंने जो मजदूरी वगैरह थी इधर उधर जो भी था पैसा, वो सब इनके घर में है, सब इन्होंने खाया। मांड में ये लोग रहते थे, इनके आस पड़ोस में कोई घर शहर भी होंगे, इनके अड़ोसी पड़ोसी भी होंगे? हाँ हाँ सर बिल्कुल थे, सर बिल्कुल। हाँ। थे वहाँ पे, मुझे ये जाने नहीं देते थे सर। अच्छा। बिल्कुल नहीं जाने देते, बोलते थे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं सर, उन पे भी ये मतलब कि गलत आरोप लगाते थे। तो जब आप मजदूरी वगैरह करने जाते थे तब तो आपकी मुलाकात होती होगी कि नहीं लोगों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ? नहीं सर, वो थोड़े साइड पे रहते थे, तो मैं बाय रोड ही जाता था सर। तो बाकी मजदूरी करने के लिए सर इन्होंने मुझे दूर भेज दिया था सर, उधर चनैनी वाली साइड। अच्छा। तो घर भी नहीं आने देते थे, और घर में जब मैं फ़ोन करता था, इन्होंने मेरे सारे नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल के रखे थे। तो जब मैं घर में आता था तो सर ये खाना दाना कुछ नहीं पूछते थे सर, मतलब इतना। सास भी थी? सास भी थी आपकी? सर हाँ सास भी थी। सास भी थी, ससुर भी थी और साली भी थी। हाँ हाँ। इन तीन का समझ में आता है कि ये लोग आपके साथ मिसबिहेविंग करते थे, लेकिन वाइफ का आपके साथ किस तरह का बिहेव था? सर वाइफ का मिसबिहेव इस तरह, महीना उन्होंने बड़ी मुश्किल से मैंने काटा वहाँ पे। तो उसके बाद सर जो मेरी सास थी, तो सर एक दिन उन्होंने ऐसा किया कि और किसी गैर बंदे को वहाँ पे बुलाया, तो उसके साथ भेज दिया सर उसको। सर इनका इतना मतलब कि बुरा सर। किसको? सर मेरी जो बीवी थी। हाँ वाइफ को सर। आपके सामने? हाँ सर बिल्कुल मेरे सामने सर। मैंने एतराज़ नहीं किया? सर एतराज़ तो सर बहुत किया, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। मुझे तो सर धमकाते थे, डराते थे, बोलते थे अगर तू ऐसा करेगा तेरी हम इधर हड्डियाँ नहीं दिखने देंगे, हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी यहाँ बेच कर इसको हम अपनी। थी मांड में? मांड में थी उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी? सर मुझे तो नहीं लगता सर, अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी उनकी होती तो एक गरीब का हक, जिसका ना माँ है ना बाप है, उसका हक खाया उन्होंने। अगर करोड़ों की प्रॉपर्टी होती तो मेरा पैसा उनके लिए एक जतीम का पैसा खाना इस तरह है जैसे अपनी लड़की का हेज खाना बराबर है उसके लिए। अगर इतने करोड़पति होता तो फिर उन्होंने ऐसा फ्रॉड क्यों करना था? फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब ये आपका लड़ाई झगड़ा घर में शुरू हो गया या आपको परेशान करने लगे? अमूमन देखा यह जाता है कि लड़के वाले लड़की को परेशान करते हैं, यहाँ पे तो उल्टा ही, उल्टी गंगा बह रही है कि आपको परेशान किया जा रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब परेशानी के बाद आपने क्या किया, आपका वो जो घड़ा था सब्र का वो कब तक भरा हुआ रहा? सर मैं इनको 3-4 महीने फिर भी सर अपने जो मेरे सीनियर थे, रिस्पांसिबिलिटी जिन्होंने ली थी, मैं उनको बोलता रहा कि आपने मेरी रिस्पांसिबिलिटी ली है और आगे भी आप मुझे उम्मीद है निभाओगे, तो इनको पूछो कि मुझे जे वैसे ही रख लें, लेकिन जे मानते नहीं थे। मतलब पंचायतें बैठना शुरू हो गई? पंचायतें बैठना शुरू हो गई, वहाँ पे मेरे से कोई भी गलती कोई कसूर कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं माना। इन्होंने एक ही इनका रिस्पांस रहा कि हम अब लाख हमारे पास है नहीं, तो अगर तलाक देनी है तो ठीक है, नहीं देनी है तब भी ठीक है। तो फिर सर इन्होंने जब पूरा जे अपना पूरा जोर लगाया तलाक के लिए, तो मैंने बोला कि तलाक नहीं दूंगा मैं। तो फिर इन्होंने क्या किया कि पेंच के दोबारा मेरी गैर मौजूदगी में तलाक बनाई, तो उस तलाक पे स्टैंप भी लगाई सब कुछ, तो वो तलाक इन्होंने मतलब छुपा के रखी 2-3 महीने। तो फिर मैंने पुलिस को भी बताया कि ऐसे ऐसे मेरे इन्होंने पैसे वगैरह खा लिए और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। पुलिस ने फिर इन पे थोड़ा प्रेशर डाला। उतनी देर आप कहाँ रहे? सर मैं अपने घर में रहा, अपने उधमपुर में। हाँ हाँ अपने घर में। अच्छा। तो फिर पुलिस ने थोड़ा इन पे थोड़ा प्रेशर डाला, तो फिर इन्होंने ये तलाक जो पेंच के दोबारा बनाई गई थी ये निकाली इन्होंने, कि तलाक दे दिया लड़के ने। आपने कंप्लेंट कहाँ पे की थी? जी मैंने रहमबल थाने में की थी। अच्छा। और सर मैं जो पुलिस ने जो मेरे लिए काम किया है, मैं उसके लिए मतलब कि हमारी जो J&K पुलिस है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी जो J&K पुलिस है, मैं आज तक मुबारकबाद देता हूँ कि जो हमारी पुलिस है ये बहुत ही एक वफादार पुलिस है। तो पुलिस ने मेरे साथ काफ़ी अच्छा सलूक किया है, और इन्होंने जो 5 केस भी उसके बाद मेरे पे किए हैं कि ये मतलब हो सकता है कि केस करने के बाद ये तलाक दे देगा। तो सर मैंने आज दिन तक मेरी तरफ से कोई तलाक नहीं मेरी बीवी के लिए, वो चाहे 17 शादियां कर ले, लेकिन मेरी तरफ से इसको कोई तलाक नहीं है। जी इन्होंने, मैं चाहूँगा कि आप वो तलाक जो दिया है जो फर्जी आप बता रहे हैं वो थोड़ा दिखाएं। जी सर ये कब दिया गया है तलाक, इस पे कोई डेट वगैरह मेंशन है कुछ? सर इस पे जे इन्होंने डेट लिखी गई है सर, एक मिनट सर, 16/2/2021 को इन्होंने लिखी गई है। और मैं इस चीज़ के लिए जो इन्होंने ये तलाक बनाई है, जो तलाक इन्होंने ये बनाई गई है, इसके लिए अगर मेरा ससुर मस्जिद में जाके अगर एक मुसलमान होने के नाते बोल दे के 3 बार के इसने ये तलाक मेरे, ये तलाक जो लिखी गई है जो मेरे मौजूदगी में लिखी गई है, पंचायत वहाँ की, वहाँ के इमाम जो बोलें कि मुझे जुर्माना,
और जैसे भी मुझे अगर बाइकाट करेंगे मैं वो फैसला मंजूर करूंगा, लेकिन ये मेरे सामने बिल्कुल नहीं लिखी गई है, मुझे इस तलाक का कोई पता नहीं है, मुझे ये बाजरिया पुलिस 2 महीने के बाद मिली है। सुल्तान, तुम ये बोल रहे हो कि आपके ससुर अगर मस्जिद में जाके मतलब जो है कसम कुरान जो करेंगे, जिस तरह की आप कहानी सुना रहे हो उस हिसाब से तो वो झूठी कसम भी कर लेंगे, तो आप उस पर यकीन करेंगे? हाँ सर, मैं कर लूँगा। हाँ, अगर वो मस्जिद में जाके बोल देते हैं 3 दफ़ा तो मैं कर लूँगा सर, इससे बड़ा और क्या है। तो सुल्तान, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये जो तलाकनामा है इसके ऊपर एक पंच जो ज़िम्मेवार होता है अपने पंचायत का, अपने वार्ड का, उसका यहाँ पे सिग्नेचर है, उसके साइन हैं, और आपके भी यहाँ पे मोहम्मद सुल्तान नाम से, जो सुल्तान नाम से आपके सिग्नेचर भी हैं यहाँ पे, आपकी वाइफ के भी हैं, तो जो आपके साइन हैं और पंच के साइन हैं क्या वो भी जाली हैं? सर मेरे साइन जो है सर, मैं तो इसके लिए सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो सर ये पेंच के और ये जो साइन है ये मेरी बिल्कुल गैर मौजूदगी में किए गए हैं, इसका मुझे कोई अता पता नहीं, मुझे इसकी कोई खबर नहीं है। तो एक तो सर अगर देखा जाए तो पेंच के पास तो सर कोई अथॉरिटी नहीं है मेरी तलाक करवाने की, क्योंकि 27 दिसंबर 2017 को एक एक्ट पास हुआ जिसमें ये लिखा गया कि कोई भी मुसलमान हो या कोई भी हो, वो तलाक लेनी हो या तलाक देनी हो वो कोर्ट में जाएंगे। तो अगर जिनका कहना है कि ये तलाक कोर्ट में हुई है, अगर कोर्ट में तलाक हुई तो ये पेज कहाँ से आया सर? ये तो घर में लिखी गई है। मेरा तो जब ये तलाक लिखी गई उससे तो 6 महीने इन्होंने मुझे निकाल दिया गया था वहाँ से। तो उसके बाद कोर्ट में अगर होता तो ये जहाँ तो ये नोटरी होता तो मैं मानता कि फिर भी कोई वैलिड होता कि चलो नोटरी करवाई गई है, बंदा प्रेजेंटली वहाँ पे था, तो मैं प्रेजेंटली था ही नहीं वहाँ, तो ये कैसे कौन सी तलाक सर? और जब रैम्बल जो है वहाँ पे पंच को बुलाया गया, उसके बाद पंच ने वहाँ पे क्या बयान दिया? सर पेंच ने तो यही बयान दिया कि मुझे इसने बोला गया है, मुझे इसने बोला, तो किसने बोला? मेरे लिए बोलता कि मुझे इसने बोला है। आपने बोला था कि हाँ। ये साइन आपके ही है वहाँ पे सर? कौन से साइन? जो तलाकनामे पे किए गए हैं। नहीं सर, मेरे साइन नहीं है सर, ये पेंच ने अपनी तरफ से किया होगा सर, जैसे भी किया होगा मुझे इसका कोई आता पता नहीं। पंच ने पुलिस को क्या बयान दिया? सर पेंच ने यही बोला है कि मुझे इसने बोला था तो मैंने साइन कर दिए। तो फिर पुलिस ने वहाँ पे उसको बोला, मेरा भाई भी वहाँ पे गया, उसने बोला कि अगर तुमने अगर ज़रूरी ही अगर इसकी ये फ्राडी तलाक बनानी थी जहाँ अगर ये वहाँ पे मौजूद था तो आपने मुझे पूछ लेना था कि ये ऐसे ऐसे बोल रहा, मैं जहाँ पे स्टैंप लगाऊँ या ना लगाऊँ, तो आपने किसी सीनियर को क्यों नहीं पूछा? आपने वहाँ पे जो सरपंच मौजूदा है वहाँ पे हमारे, उनको क्यों नहीं पूछा? मेरे गांव के इमाम है वहाँ को, उनको क्यों नहीं पूछा? मेरे भाई को क्यों नहीं पूछा? मेरे किसी घर के किसी सीनियर मेंबर को क्यों नहीं पूछा? मेरे अंकल को क्यों नहीं पूछा? डायरेक्ट उसने ये कैसे लगवा दी मेरे कहने पर? कल को मैं उसको बोलूँगा कि भाई तू जहाँ पे स्टैंप लगवा, कल को मैं बोलूँगा कि जी मैं इसके साथ फ्राडी ऐसे लिख के अपनी तरफ से बोलूँगा कि मेरा इसके साथ दोबारा लगा हो गया, लगा दी जहाँ पे स्टैंप, जे क्या ये वैलिड है? क्या वो लगवाएगा? क्या उसके पास इतनी, पेंच के पास अगर इतनी अथॉरिटी होती तो फिर जज की कुर्सी पेंच को ही क्यों ना दी होती? उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद इन्होंने दूसरी शादी करवा दी है। आपकी? सर मेरी वाइफ की दूसरी शादी इन्होंने करवा दी है। वाइफ की दूसरी शादी करवा दी? हाँ, मेरी इजाज़त के बिना, मेरी इसमें कोई तलाक जो मेरी तरफ से कोई तलाक नहीं है उसको। फिर इन्होंने अगर मेरी तलाक इनके घर, मेरा जो नगाह है इनके घर में हो रहा है टिकरी मांड में, तो सर फिर इनका नगाह उधमपुर में तीसरी जगह में क्यों हो रहा है? अगर मेरा नगाह वहाँ का इमाम करवा रहा है तो इनका निकाह दूसरा कहीं का इमाम क्यों करवा रहा है? फिर अगर इतने सच्चे हैं तो फिर निकाह का कागज है आपके पास? हाँ सर बिल्कुल है सर। वो दूसरा जो निकाह हुआ वो कहाँ पे हुआ? कहाँ सर? जी इन्होंने कहीं और का सर वो है कोई दूसरा। कहाँ दी थी लड़की, मतलब कहाँ पे? सर एक मिनट, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ही या कहीं आगे पीछे? नहीं सर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में ही है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, मतलब ये जब दूसरा निकाह का आपने सुन लिया, डॉक्यूमेंट भी आपके पास आ गया, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की उस पर? सर मैंने तो सर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की, मैंने इनको अपना एक लाइफ स्पाइल ना होने के बावजूद इनको यही बोला कि आप अपना केस जो है ये वापस ले लो, तो इन्होंने केस वापस नहीं लिया। मुझे वहाँ से रिस्पांस आया कि आप ऐसे करें कि आप तलाक दे दें उसके बाद हम केस वापस लेंगे। ये तो दूसरा निकाह जो दूसरा निकाह हुआ है, निकाहनामा वो है? हाँ, तो मैंने बोला कि जब तक मेरे साथ कोई फैसला नहीं होगा मैं तलाक नहीं दूंगा। नहीं, जिस तरह से इनके जो अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पे थे लड़की के या आपके ससुर के, उन्होंने क्या किया इसमें? सर उन्होंने तो खास कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला कि तलाक हो गई है, इन्होंने बोला कि तलाक हो गई है, लेकिन मेरी तरफ से कोई तलाक नहीं है। अब थोड़ी देर इनको बाइकाट भी रखा, लेकिन इस पर भी वहाँ की पंचायत ने कोई खास एक्शन नहीं लिया इन पे। तो अब मैं उधर से दूर रहता था, मुझे तो पूछा वहाँ के कुछ लोगों ने कि आपकी तलाक हुई, मैंने बोला मेरी कोई तलाक नहीं हुई है, मैंने इनको कोई तलाक नहीं दी है। तो सर आपका मुझे पता नहीं है कि जी पंचायत के साथ है जहाँ ऐसे है, अब इसका मुझे कोई पता नहीं है। तो
आपके जो आप बता रहे हैं कि मेरे खिलाफ केसेस किए जा रहे हैं, झूठे केसेस किए जा रहे हैं आपके कहने के मुताबिक, वो केसेस कहाँ पे किए जा रहे हैं? सर वो केस तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, वो इन्होंने केस किया है जे उधमपुर में किया है, जे हमारे जो चीफ जस्टिस वहाँ पे किया है, तो उनसे भी मेरी बात हुई है अभी एक दो दिन पहले बशीर अहमद मुंशी साहब से, तो उन्होंने मुझे बोला है कि आपको अगर झूठा है जे तो हम इसको इसके लिए आपको एक एडवोकेट जहाँ से दिया जाएगा तो आपका हम केस फॉरवर्ड करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था सर। तो सर अगर मेरा वहाँ से अगर इन्होंने इंसाफ मुझे नहीं किया दिया तो मैं इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करूँगा कि क्या ये तलाक वैलिड है या नहीं, अगर हाई कोर्ट से भी नहीं मिला तो मैं दिल्ली का रुख करूँगा। अब ये इस बात को मत समझे कि इसका मम्मी डैडी नहीं है, मम्मी डैडी ना होने के बावजूद भी मैं इसको कर लूँगा। नहीं, जो केसेस आप पे किए हैं ना, जो उनके द्वारा मतलब जो फॉल्स केसेस में आपको फंसाया जा रहा है जिससे आप परेशान हो रहे हैं, वो क्या केसेस हैं? सर वो एक केस तो दो केस तो जी हैं कि मारपीट के इल्ज़ाम मुझे लगाया है। आपने मारपीट की अपनी वाइफ के साथ या पूरी फैमिली के साथ उनकी? नहीं, वाइफ के साथ लगा रहे हैं जी। अच्छा। तो तीसरा केस जो है वो इन्होंने 376 मेरी जो साली है छोटी उसके नाम पे लगाया जिसकी उम्र जी 12-13 साल है। अच्छा। तो सर उसके बाद भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पुलिस ने बड़ा ईमानदारी से काम किया, तो पुलिस ने जब इसको छानबीन किया केस को तो वहाँ पे कोई भी इनके पास प्रूफ नहीं था, तो फिर इन्होंने कंप्लेंट्स इनके द्वारा की गई है कौन से थाने में? जे रैम्पल थाने में करवाई गई। हाँ हाँ। अच्छा। मैंने वहाँ पे पुलिस को बोला कि आप इसमें देखो कि अगर आपको प्रूफ मिलता है तो आप मुझे जो अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशमेंट मिलती है वो बनती है वो दो। तो वहाँ पे जे केस झूठा पाया गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फिर वहाँ पे जे भागने लगे, तो फिर भागने के बाद इन्होंने बोला कि हम अपना केस वापस लेना चाहते हैं, हम कार्रवाई ना करवाएंगे। फिर इन्होंने वहाँ पे लिख के दिया कि हम कार्रवाई नहीं करवाएंगे, हमारा केस झूठा है रैम्पल थाने में। वहाँ के जो पुलिस वाले हैं फिर उन्होंने बोला कि आपके अगर कोई भी आगे दूसरा केस किया जाएगा तो हमारे साथ रब्ता रखना, हम बोलेंगे कि इसके पहले के इतने केस झूठे पाए गए हैं। अच्छा, तो उसके बाद भी आप पे कोई केस किया गया? हाँ हाँ सर, जे अभी दो केस उसके बाद किए गए थे उन्होंने, मतलब एक जो जे किया था तहसीलदार के पास और दूसरा इन्होंने जो जज के पास किया है। तो पुराना वाला आपने दिखाया नहीं उनको कि ये झूठे केस कर रहे हैं? सर दिखाया मैंने, लेकिन उनका कहना है, उन्होंने बोला कि अब केस जो हैं जी इतने जल्दी हल नहीं होते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगता है। अब आप चाहते क्या हैं? मतलब आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, क्या चाहते क्या आप आखिर में क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूं कि जो मेरा इन्होंने खून पसीने की कमाई खाई है, जो मेरा इन्होंने हक खाया है, जे मुझे दिया जाए। तो अगर मतलब कि और जहाँ पे जे चिड़ई मुतल में मेरी बीवी ने दूसरी शादी की है, मैं उनके घर वालों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर जे इतनी जन्नत की हूर है तो आप एक यतीम की तरफ ही थोड़ा नज़र डालिए, जैसे आपका उनका बेटा है इसी तरह मैं भी आखिरकार किसी माँ बाप का बेटा हूँ, तो मेरा जो हक इन्होंने खाया है पहले उसका मेरे साथ फैसला किया जाए, और मेरे से अगर इतनी जन्नत की हूर है तो मेरे से मेरा हक दिया वापस दिया जाए, और अगर तलाक लेना चाहते हैं तो फिर पंचायत में आएँ कि क्या तलाक कैसे ली जाती है। सुल्तान, जिस तरह से आप कह रहे हो कि जो तलाकनामा हुआ है वो फर्जी है, फर्जीवाड़ा है, और क्या आप दिल से मतलब अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते हैं या तलाक नहीं देने का कारण क्या है? सर तलाक देने का कारण तो सर यही है कि जो इन्होंने मेरे से फ्रॉड से जो मेरे साथ धोखा किया गया, इतना बड़ा फ्रॉड किया गया, जो मेरे से इन्होंने पैसा खाया है, जब तक ये मुझे वापस ना लुटाएं और मेरी इज्जत ना लुटाएं तब तक मैं इनको तलाक ना दूंगा। और मैं इनको एक बात और भी बोलना चाहता हूं कि जिस घर में इनको दोबारा शादी करवा के दिए उनको मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जब तक आप एक यतीम की फिर भी थोड़ा नज़र डालें और मेरी तरफ से थोड़ा देखें, थोड़ा कि आपके बेटे को तो मिल गई मेरी बीवी लेकिन मैं भी आखिरकार किसी माँ बाप का बेटा हूँ जिसका हक आया है, अगर मेरे सगे ना हुए तो आपके कितने सगे होंगे। और इसके बाद मैं अपने ससुर को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस पार्ट इसमें मेरे ससुर और दो पार्टियाँ इन्वॉल्व है कि अगर मुझे कल को कुछ भी हो जाता है, कहीं भी अगर मिस पाया गया या कुछ भी, अगर मुझे किसी किस्म का भी लॉस होता है, नुकसान होता है, तो मेरे ससुर और दो पार्टियां इन्वॉल्व है इसमें, एक तो वो पार्टी जिसने ये जाली तलाक बनाई है और दूसरी पार्टी वो पार्टी की जिसने ये मेरी इजाज़त मेरी तलाक के बिना दूसरा निकाह करवाया है। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मुझे कल को अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेदार वो होंगे, और मैं इसका नोटिस एक दो दिन में मैं पुलिस थाने में भी दे दूँगा कि मुझे इन दो पार्टियों से खतरा है। तो चले हम कोशिश करेंगे कि जो इनके तलाकनामा जिसको ये फर्जी बता रहे हैं वो वहाँ पे जो पंच हैं जिनकी स्टैंप लगी है, साइन हुए हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे उनसे बात हो सके और उनका इस पे क्या कहना है, और उस इमाम से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जिनके द्वारा सुल्तान का निकाह जो है वो करवाया गया था। क्या लेके जाएगा
सबसे बड़ा और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, जहां पर सभी लीडिंग कंपनीज के मोबाइल फोन्स, टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, सोलर इन्वर्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेहतरीन दामों और आसान किस्तों पर दस्तियाब है। ये हुई ना बात, तो आप भी तशरीफ लाए अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, गूल रामबन, फोन 9419955001। हेलो, हेलो जनाब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब अरफाज डैंग अर्ज कर रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से, जम्मू से। हाँ जी सर, अरफाज डैंग अर्ज कर रहा हूँ न्यूज़ शहर इंडिया से, जम्मू से। जी जी। मीडिया से सर, आप खैरदीन जी बोल रहे हैं, इमाम साहब? जी जी सर, यहाँ डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से ना, मेरे पास यहाँ पे एक लड़का आया है सुल्तान मोहम्मद नाम से ना, इनका कोई तलाक का इशू है, जिसमें तलाक जो है ये बता रहे हैं फर्जी हुई है इनकी वाइफ की, और इनकी जो तलाक हुई है और जो निकाह इनका इनकी वाइफ के साथ हुआ वो आपके द्वारा किया गया है। सर इसमें क्या सच्चाई है? इसका तो फैसला निकाह तो हुआ है, उसके बाद जो फैसला हुआ वो मैं फैसला नहीं था। नहीं, आप इनके निकाह में शामिल थे, आपने इनका निकाह करवाया था? हाँ, मैं शामिल था। तो क्या बातचीत हुई थी इनकी आपस में, जो 1,00,000 रुपए का ये बता रहे हैं कि 1,00,000 रुपया जो है वो हक मेहर के तौर पे वहाँ पे इनके द्वारा जमा किया गया था, या गहने वगैरह लेके सारा जो 1,00,000 रुपए का इनका बनता है, क्या वो हुआ था वहाँ पे? हाँ, हुआ था, हुआ था। जी, तो जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इनके साथ जो है जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, क्या वाकया में इनके साथ वो उस तरह की जुल्म ज्यादती हो रही है कि इनको, मतलब ये ऑर्फन है, इनके मम्मी पापा नहीं है, और इनकी शादी जो है वो उन जो लड़की का बाप है उसने मतलब खुद ये बात इनसे कही थी कि मेरी शादी मेरी लड़की के साथ, मतलब मैं तेरी शादी करवाता हूँ, ऐसा हुआ है? हाँ, सर मम्मी पापा भी नहीं है। जी, तो उधर बात भी हुई थी, 1,00,000 रुपया दिया था हक में, तो जिसने वहाँ रहना था घर में, जी उसी के घर रहना था, उसने घर जमाई बन के रहना था वहाँ पे। हाँ, उसके घर में रहना था। फिर तो उसके बाद ये थोड़े देर रहा, पता नहीं 2-4 महीने में याद नहीं कितने देर रहा ये, तो फिर बाद में ये उसको उसने निकाल दिया, ये उसने इसको निकाल दिया। हाँ, इसको निकाल दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे गांव के 1-2 आदमी आए जी उसके पास। जी, और हमने बोला कि अब इसका जो पैसा है वो दे दो वापस। जी, तो तलाक दे करा देंगे। जी, वो बात उन्हें नहीं मानी। जी, तो हम नहीं कुछ भी देंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। जी, तो हम चले गए। जी जी जी। हाँ, तो आपने जो बातचीत की या जो पंचायत वगैरह जो उनके साथ हुई या जो बातचीत हुई, उसमें आपको क्या लगा, वो लोग कैसे थे, मतलब क्या इसी तरह से, मतलब वो लोगों के साथ ठगी करते हैं, या किस तरह का मिजाज लगा आपको उनका? ये हम तो एक दो बार ही गए उसके घर में, तो सारे एक जैसे नहीं होते, मगर जो उसके घर के थे तो उन्होंने तो ठगबाजी की ना। जी हाँ, तो बाकी लोगों को हम क्या कह सकते हैं, लड़की के बाप ने, लड़की की माँ ने, लड़की ने खुद, हाँ लड़की की माँ ने और लड़की के बाप ने, उधर थे जो हम जहाँ बैठे थे ना। जी जी, वहाँ वो लड़की भी थी, लड़की के माँ भी थी और बाप भी था। जी, उन्हें बोला हमारे पास पैसा कुछ नहीं है, जो आपने दिया है वो हम नहीं देंगे। जी हाँ, बस नहीं मानना उन्होंने, क्या करना था, हम चले गए। जी जी जी। इमाम साहब, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप निकाह भी करवाते हैं और जिस तरह से ये जो तलाकनामा जो बनाया गया है, आपकी नज़र में क्या ये फर्जीवाड़ा है, क्या ये फर्जी तलाकनामा बनाया गया है, या कैसे देखते हैं इसको आप? तलाकनामा जो बना है वो मैं, मुझे पता नहीं उसका, मैं तो ही नहीं मुकबर नहीं था। मतलब आपने देखा तो होगा, इनके संज्ञान में होगा, आपकी आपने मतलब इसको देखा तो होगा कहीं पे, मतलब देख के क्या लगता है? इसी ने वो नेट में दिखाया मुझे। जी, जो जिसने वो तो फ्रॉडी तलाकनामा कराया था, वो जिसने कराया था वो भी अनकार हो गया, वो बोलते थे हमने कराया नहीं, मगर उसने सहन किए थे। जी, वो ऐसे वो तो फ्रॉडी था, वो कहीं कानून में नहीं चलता, शरीयत में नहीं चलता, कहीं पंचायत में नहीं चलता, वो नहीं चलता। वही चीज मैं आपसे जानना चाहता था। हाँ, वो ऐसे फ्रॉडी था वो। जी जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ। हाँ जी, आपके पास है? हाँ जी, यहीं पे है। हेलो जी, मैं 5 मिनट के बाद कॉल करता हूँ आपको। चलें, शुक्रिया। तो ये कासिम दीन, हाजी कासिम खैर दीन,
हाँ जी, खैरदीन जी थे जिनके द्वारा इनका निकाह जो है उस लड़की के साथ, उस बेटी के साथ करवाया गया था। और हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है उन पंच जिनका साइन और स्टैंप जो है वो उस निकाह नामा पे, निकाह नहीं अपना जो तलाक नामा पे लगा हुआ है, जिसमें सुल्तान भाई का कहना है कि वो फर्जी है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वाक्य में पंचेज अब इस तरह से भी जो है फ्रॉडी कामों में लोगों का साथ देना शुरू कर चुके हैं। पंच साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, हो सकता है कहीं बिजी होंगे। हाँ क्या बता रहे थे? हाँ सर, मैं ये बता रहा था कि एक मेरे साथ फ्रॉड नहीं किया इसने, और भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। मैंने इसके घर में रहने के बावजूद 2,65,000 की डेंटल एक्सरे की मशीनें बरामद की है, जो मैंने जिसके लिए मुझे टॉर्चर करता था कि इसको तू बेच के दे मुझे। लेकिन वो एक मशीन एक ऐसी थी कि जहाँ भी उसको हम चलाते तो उसका मैसेज कंपनी को जाता था। तो मैंने बोला कि मैं इसको नहीं बेचूंगा। फिर उसने मुझे ज़्यादा टारगेट किया, फिर मैंने कंपनी को फ़ोन किया जे इधर अपने जम्मू में, तो कंपनी ने मुझे बुलाया और मैं वो मशीन लेके वहाँ पे आया, और कंपनी ने मुझे वहाँ पे 5-10,000 रुपया नाम ही दिया, और मुझे कंपनी ने बाइज्जत वहाँ से भेजा। तो सर एक किसकी बात बता रहे हैं अभी, किसने किया जे बागली ने एक मशीन चोरी की कहीं से लाई थी ससुर ने, ससुर ने। अच्छा। तो सर उसके बाद जी मशीन मुझे टॉर्चर करता था कि जी मशीन हमें बेच के दो। ये आपकी शादी से पहले लाई गई थी या शादी के बाद? लाई पहले गई थी और बेचने के लिए बाद में इन्होंने मजबूर किया मुझे। अच्छा। तो सर जी मशीन मैंने फिर मैंने कंपनी को वहाँ पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मशीन है। फिर कंपनी ने मुझे वहाँ पे बुलाया कि आप इसको लेके आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ पे जब कंपनी के पास गया जे इधर अपने रघुनाथ बाज़ार में, तो कंपनी को मैंने वो मशीन वापस दी, जहाँ पे कंपनी की 3 लाख की पेमेंट रुकी थी, और उनका एक बंदे पे केस भी चल रहा था कि जिस जो मशीन इधर से लेकर गया था श्रीनगर में जा रहा था जी, तो अब्बास नाम को बंदा था जिसको जो ट्रांसपोर्ट की गई थी। तो रास्ते में जो मशीन गुम हो जाती है, और ड्राइवर पे केस चल रहा था कि आपने मशीन कहाँ मिस कर दी है, कहाँ गुम कर दी। तो जब मैंने मशीन उनको वापस की गई, तो मुझे उन्होंने बड़ा एक अच्छा सलूक किया मेरे साथ, उन्होंने 5-10,000 मुझे इनाम दिया, खाना वगैरह खिलाया, और मुझे छोड़ने भी वहाँ पे गए। तो सर एक मेरे साथ ही फ्रॉड नहीं है जी, मतलब उनके मतलब इन्होंने लाखों के घोटाले पहले में किए हैं। चलें, ये सारा मामला है सुल्तान का, सुल्तान मोहम्मद का, ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करते हैं, और ये सारी घटनाक्रम जो इनके साथ घटित हुई है इस पर क्या कुछ होना चाहिए वो। हाँ, और मैं वहाँ की जो पंचायत है मांड और चिड़ई मुतल संदरानी की, जितने भी इमाम हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं, अगर आप जहन्नम में नहीं जन्नत में जाना चाहते हैं, तो इस बात को देखें कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। क्या इस बागली के घर में जो अपनी लड़कियों का हेज खाता है और गरीब बच्चों को लूटता है, यतीमों को लूटता है, ऐसे काम करता है, तो क्या इसके घर में खाना पीना जायज़ है? क्या इस्लाम में ये इस्लाम बोलता है कि अगर एक जगह से तलाक हुई नहीं तो दूसरी जगह शादी करवाओ? क्या वन साइड तलाक पॉसिबल है? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि एक तलाक के बिना एक लड़की की शादी दूसरे घर में कर देना। अभी वो बेटी दूसरे घर में रह रही है? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे रह रही है, उसको 4-6 महीने वहाँ पे रहते हो गए। लेकिन मैं अपनी लाइफ को स्पाइल नहीं करना चाहता था, मैं ये बात सामने नहीं है उनके आना चाहता था कि मैं उनको उनके खिलाफ ये बयान दूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मजबूर किया। अभी केस किया है उन्होंने, और मैंने उनको 20 बार बोला कि अपना आप केस वापस ले लो, ताकि मेरी लाइफ जो है, मेरा फ्यूचर ठीक रहे, मेरी लाइफ स्पाइल ना हो, तो आप केस वापस ले लें। लेकिन उन्होंने इतनी लापरवाही बरती कि वो अभी आज तक कोर्ट में आए नहीं, अपना केस वापस नहीं लिया उन्होंने। तो फिर मैंने मजबूर होकर जे मैं कदम उठाने के लिए मजबूर हो गया हूँ, और मैं अगर मुझे उधमपुर से अगर जस्ट विद इन सम डेज अगर मुझे जे इसका रिस्पांस नहीं मिला कुछ, तो मैं जम्मू का रुख करूँगा। अगर जम्मू से भी नहीं मिला तो मैं दिल्ली का करूँगा। आप जे इस बात को जे मत भूल जाएं कि इसके पास पैसा नहीं है, जे है वो है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है वो एडवोकेट दिल्ली में काम कर रहे हैं, जम्मू में काम कर रहे हैं, ऐसा इस बात को जे भूल जाएँ। और वहाँ के जितने भी इमाम हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि इनको तब तक सोशली बाइकॉट किया जाए जब तक ये मेरे साथ कोई फैसला नहीं करते हैं। और मेरी तरफ से कोई तलाक नहीं है, जे 50 शादियाँ कर ले, जे 20 साल ऐसे रहें, मेरी तरफ से कोई तलाक नहीं है और ना है। चले, ये एक अजीब तरह का मामला जो है ये सामने आया है, निकल के सामने आया, और इसमें किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और ये किस तरह से जायज़ जो है इस्लाम में किस तरह से जायज़ ठहरा सकते हैं कि एक लड़की का निकाह होते हुए दूसरी जगह पर उसकी शादी हो और 4-6 महीने से वो वहाँ पर घर कर रही हो। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ एयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।